यहाँ आज के इस 145 विधानसभा मीरा भयंदर विधानसभा की नॉमिनेशन फाइलिंग पर उपस्थित मेरे सभी सहकारी मित्र, सभी पार्टी, राष्ट्रवादी, आरपीआई दोनों गट, बहुजन विकास आघाड़ी, जनता दल, समाजवादी, इसका लोकशाही विकास आघाड़ी का अधिकृत उम्मीदवार बोल के 145 विधानसभा से मैंने अभी नॉमिनेशन फाइल किया है। महाराष्ट्र के इस विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस, राष्ट्रवादी, लोकशाही विकास आघाड़ी ये महायुति के खिलाफ चुनाव के मैदान में है। आप और हम इस शहर में इस महायुति के भाजपा के उम्मीदवार के सामने कांग्रेस की तरफ से मैं ये चुनाव लड़ रहा हूं। मेरा नारा है, ज्वाइन मी इन द फाइट अगेंस्ट करप्शन एंड इनजस्टिस। भ्रष्टाचार और अन्याय के विरुद्ध में इस लड़ाई में आप मेरे साथ शामिल हो, ये मेरा नारा है। इस शहर में चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई समाज हो, हर आदमी इससे दुखी है और पीड़ित है। इस भ्रष्टाचार और हुकुमशाही के अन्याय से हमको लड़ना है। आपके हमारे शहर में पिछले चुनाव में सेना भाजपा ने कहा था कि मुंबई के सभी एंट्री पॉइंट्स पे से हम टोल नाका हटा देंगे, मगर धैसर टोल नाका जहां है वही है या नहीं है? इसे हटाना मेरा लक्ष्य है। इस शहर में दो रेलवे स्थानक है, मीरा रोड और भयंदर। मीरा रोड से लोकल ट्रेन शुरू करना ये मेरा लक्ष्य है। भयंदर से महिला स्पेशल ट्रेन के अंदर वृद्धि करना है, भयंदर लोकल ट्रेन में वृद्धि करनी है। बोरीवली से विरार तक सिक्स ट्रैक की रेलवे करनी है, ये मेरा लक्ष्य है। आपके ऊपर पूरे शहर में डबल टैक्स लगा हुआ है, जिसे हम गब्बर सिंह टैक्स कहते हैं, गार्बेज टैक्स, उसे हमको हटाना है। पानी तो आपको मिला नहीं, मगर पानी का बिल दुगना हो गया 5 साल में। हमको शहर में पूरा पानी लाना है और इस पानी के बिल को कम करना है, यह हमारा लक्ष्य है। ऐसे सारे काम, चाहे बीएसयूपी की योजना का हो, जो गरीबों को 4000 लोगों को आज तक मकान नहीं मिले, उसे हमें पूरा करना है। परिवहन सेवा की बसेस, उसे हमें फिर से शुरू करना है। इस शहर में ऐसे कई मुद्दे हैं जो पिछले 5 साल में एक भी काम उस पर नहीं हुआ।
शहर में सिर्फ होर्डिंग्स लगी है, मुझे गर्व है, मगर बच्चों को खेलने का प्लेग्राउंड नहीं मिला। जिनके घर में गैस की पाइपलाइन पहले से ही है उनकी तस्वीर लगी है और कहते हैं 20 माले पे मेरे घर में पहला लकड़ी का चूल्हा जलता था, अब गैस आ गया तो मुझे गर्व है। चंद महिलाओं को रिक्शा दे करके चित्र लगा दिया गया है, वो भी एक बार दी, उसके बाद महीने तक के पता ही नहीं था, और फिर बोर्ड लगाते हैं कि मुझे गर्व है। हर जगह आनंद फानंद का माहौल इस शहर के अंदर है। स्टेट एजेंट हो, बिल्डर हो, व्यापारी हो, जमीन मालिक हो, हर आदमी के ऊपर इतनी दहशत हो गई है कि मुंह खोलने से डरता है। उस अन्याय के खिलाफ में आपको मेरा साथ देना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जन जन तक के जाओगे, घर घर जाओगे और अपना जाहिरनामा और हम इस जो शहर में करना चाहते हैं वो लोगों तक के उन बातों को पहुंचाओगे। आने वाले 21 अक्टूबर को ये चुनाव होने जा रहा है। कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, महायुति अगाड़ी का अधिकृत उम्मीदवार के रूप में मुजफ्फर हुसैन कैंडिडेट है, यह लोगों तक के आपको पहुंचाना है। और कांग्रेस के सिंबल पे, हाथ के पंजे पे बटन दबा करके बहुमतों से अपने को ये निवडणूक जीतनी है, यह सारी जिम्मेदारी आप लोगों के कंधे पर है। आज आप सब लोग ये नाम नॉमिनेशन फाइल करने के लिए आप सब लोग सवेरे से आए, इसके लिए मैं आप सभी का, विकास आघाड़ी के, महायुति के हमारे सभी पक्ष के पदाधिकारी का, जिलाध्यक्ष का, सभी का, संतोष तेंबुलकर, अविनाश गुरव, शफीक सुल्तानपुरी का, अजमल पटेल का, सभी लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जनता दल के मिलन मात्रे का, आरपीआई गट का, सभी लोगों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और अभी यहां से जिस तरह से रैली आई थी उसी तरह से रैली शांति पार्क जांगिड कॉम्प्लेक्स के सर्कल से लेफ्ट मार के आपके शीतल नगर होते हुए मीरा रोड कांग्रेस ऑफिस के ऊपर खत्म होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। करते ना कभी भेद जरा सा लेके चुनौती अपने नगर का करेंगे उधार। मुजफ्फर हो, मुजफ्फर हो, हो नाविकार, मुजफ्फर हो, हो देखी खुशी और कदम निराशा, चक्का नौशी दिल में आशा है इरादे नया हौसला लाएंगे मल्हार। मुजफ्फर हो, मुजफ्फर हो, ना कोई भाषा करते ना कभी भेद जरा सा लेके चुनौती अपने नगर का करेंगे उद्धार। मुजफ्फर भाव, मुजफ्फर भाव, होगा विकास, मुजफ्फर भाव, ओ देखी खुशी और खत्म निराशा, चट्टा नोसी दिल में आशा, नए इरादे नया हौसला लाएंगे मल्हार। मुजफ्फर भाव, मुजफ्फर भाव,
मिट्टी से जन्मा वो, मेहनत से सींचा वो, ना कोई रहमत ना दौलत भी देखा वो।